Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, देखिए कई महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है और कई महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी की जर्नी होती है वो आसान नहीं होती है. बहुत सारे बदलाव महिलाओं की बॉडी में देखे जाते हैं. कई महिलाओं की बॉडी में जो बदलाव की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से जो 9 महीने की जर्नी होती है उसमें बहुत सी परेशानियाँ महिलाओं को फेस करनी पड़ती है. बट कई महिलाओं की बॉडी में जो बदलाव की इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में फील नहीं होता है और उन्हें जो 9 महीने की प्रेगनेंसी है वो पता भी नहीं चलती. बट गाइस, प्रेग्नेंट होने में हर एक महिला की बॉडी में बदलाव आता ही आता है. तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बदलाव के बारे में बताने वाली हूँ जो महिलाओं में पीरियड डेट से पहले देखा जाता है. यानी मैं आपको बताऊँगी अर्ली प्रेगनेंसी का जो पेन होता है महिलाओं में, ये कहाँ कहाँ किस किस बॉडी पार्ट पे होता है, जिससे अर्ली फेज में ही प्रेगनेंसी के आप अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं और प्रेगनेंसी केयर करना शुरू कर सकते हैं, जिससे आप 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर सकते हैं. देखिए, जो अर्ली प्रेगनेंसी का पेन होता है ये बहुत ही अर्ली फेज का लक्षण है. जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है तो उसी टाइम से महिलाओं के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है. इम्प्लांटेशन सफल होने का मतलब है जब एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्रल लाइनिंग में इम्प्लांट होता है, तो वो डायरेक्टली इम्प्लांट नहीं होता, वहाँ पे बरो होता है, यानी हल्की सी खुदाई होती है तो वहाँ पे ऐसा धंसता है. तो इस दौरान बहुत सी महिलाओं के पेट में दर्द होता है. ये दर्द मेनली लोअर एब्डोमिनल एरिया में होता है, जहाँ पे आपका यूट्रस होता है, यूट्रस के आसपास होता है, या आपको जो आपकी हिप बोन है उस साइड पे ये पेन होता है. ये पेन माइल्ड होता है. ये पेन महिलाओं में ओवुलेशन के 1 हफ्ते बाद से फील हो सकता है, यानी ओवुलेशन के बाद से ही अपनी बॉडी को आपको नोटिस करना है, तब जाके आप इस पेन को अपनी बॉडी में नोटिस कर पाएंगे और तभी जाके आप पता कर पाएंगे जो ये पेन आपका हो रहा है ये प्रेगनेंसी का ही पेन है. तो ये जो पेन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाभि के नीचे ही होता है, जहाँ पे आपका यूट्रस मेनली होता है. यूट्रस में भी वहाँ पे ये पेन होता है जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट हुआ है, या तो राइट हैंड साइड पे इम्प्लांट हुआ होगा तो राइट हैंड साइड पे दर्द होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे इम्प्लांट हुआ होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, अगर मिडिल पे हुआ होगा तो मिडिल पे ये दर्द होता है. ये दर्द माइल्ड होता है जैसे कि मैंने बताया. इस दर्द में ऐसा आपको फील होगा जैसे हल्की हल्की सी चुभन, मरोड़े, ट्विंगलिंग सी सेंसेशन, झंझनाहट सी सेंसेशन, ऐसा कोई आपको सुई चुभा रहा है, बट ये जो सुई चुभने वाली दर्द होता है ये बहुत हल्का सा माइल्ड सा ही दर्द होता है, और इसमें थोड़ा पेट में आपको भारी भारी पन सा भी लगने लगता है, और पेट में खिंचाव की वजह से भी आपको दर्द होता है, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम, पेट फूला फूला सा, कॉन्स्टिपेशन का दर्द भी होने लगता है, बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रैपिडली इंक्रीज होता है प्रेगनेंट होने में, जिसकी वजह से जो भी आप खाना खाते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, क्योंकि मदर की बॉडी से ही जो खाना होता है वो बच्चे को मिल रहा होता है. न्यूट्रिएंट की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई जब मदर की बॉडी से ही हो रहा होता है, जिसकी वजह से खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, और धीरे धीरे डाइजेस्ट होने की वजह से जो डाइजेशन प्रोसेस होता है एक महिला का वो स्लो डाउन हो जाता है, और स्लो डाउन होने की वजह से महिलाओं के अंदर जो गैस हम जनरली पास करते हैं वो ट्रैप हो जाती है, और जिसकी वजह से गैस का पेन भी महिलाओं में देखा जाता है. कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का पेन भी आपको पेट में देखा जाता है, और साथ में कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको स्टूल पास करने में भी दिक्कत आती है. इसके अलावा महिलाओं के बैक में भी दर्द होता है. बैक में मेनली एग्जैक्ट एरिया में आपको बता देती हूँ, जहाँ पे आपका पेल्विस और स्पाइन मिलते हैं वहाँ पे ये दर्द होता है, और ये दर्द मेनली लोअर एरिया पे ही होगा, बट राइट में, लेफ्ट में या मिडिल में कहीं भी हो सकता है. ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में एक नया हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं, और इसके साथ साथ यूट्रस भी एक्सपेंड हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो पेल्विक एरिया के मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और ये वन ऑफ दी रीज़न है जिसकी वजह से महिलाओं के बैक में अर्ली फेज में ही पेन होना शुरू हो जाता है. और इसके साथ ये पेन आपको कमर में भी फील हो सकता है और पेल्विक एरिया में भी फील हो सकता है, यानी पेल्विक एरिया में जो पेन आपको होगा, इस पेन में आपको थोड़ा हैवीनेस भी लग सकती है, फुलनेस भी लग सकती है, और ये पेन हमेशा माइल्ड होता है. और सबसे मेन बात गाइस,
ये पेन लगातार आपको नहीं लगा रहता है, चाहे वो आपको पेट में पेन हो रहा हो, चाहे बैक में पेन हो रहा हो, कमर में हो रहा हो, ये पेन लगातार नहीं होता है प्रेगनेंसी का पेन। प्रेगनेंसी का पेन आपको ऑन एंड ऑफ लगा रहता है, कभी कुछ मिनटों के लिए पेन हो सकता है या कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है। तो अगर आपको लगातार पेन हो रहा है तो इस कंडीशन में तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी का पेन लगातार नहीं होता है, ये आपको समझना है। और इसके साथ साथ आपके ब्रेस्ट में भी दर्द होने लग जाता है, बिकॉज हार्मोन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं और कई हार्मोन बहुत तेज़ी से भी राइज होते हैं। प्रेग्नेंट होने में महिलाओं के हार्मोन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, कई हार्मोन बहुत तेज़ी से राइज होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के ब्रेस्ट में भी दर्द होने लगता है, जैसे टेंडरनेस जैसी फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं प्रेग्नेंट होने में। जो सेंसिटिविटी की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, गलती से भी अगर आपकी फिंगर लग जाती है तो आपको पेन होने लगता है, और साथ में बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे पेन हैं, अगर इस तरीके के पेन आपको अपनी बॉडी में फील हो रहे हैं पीरियड डेट से पहले, और जिसकी इंटेंसिटी, जैसे जो इम्प्लांटेशन का पेन है वो जनरली 2-3 दिन का रहता है, बट जो कॉन्स्टिपेशन गैस का पेन है ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी कई महिलाओं में देखा, जो बैक का पेन होता है ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी महिलाओं में देखा जाता है, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो बैक का पेन और ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि बेबी बम्प बड़ा होने लगता है, जब वेट आपके पेट में ज़्यादा आएगा तो उसका डायरेक्टली असर आपके बैक पे पड़ता है, जिसकी वजह से महिलाओं में बैक पेन थ्रू आउट प्रेगनेंसी देखा जाता है। तो ये जो सब पेन है ये पेन आपको बहुत जल्दी प्रेगनेंसी में दिखाई देते हैं, और इन पेन के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यही आज का वीडियो, होप करती हूँ इस वीडियो से काफ़ी महिलाओं को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।